नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए लंपी वायरस पर कुछ पंक्तियाँ लेकर आए हैं, जो इस प्रकार से हैं। लंपी वायरस रोग एक गांठदार त्वचा रोग है, जो मवेशियों में होने वाला एक संक्रामक रोग है, जो पाक्सविरेट परिवार के एक वायरस के कारण होता है, जिसे निटलिंग वायरस भी कहा जाता है। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के अनुसार लंपी वायरस गाय और भैंस में फैलने वाली बीमारी है। इस रोग के कारण मवेशियों में दुर्बलता, कम दूध उत्पादन, खराब विकास, बांझपन, गर्भपात और कभी कभी मृत्यु का कारण भी हो सकता है। यह एक तरह का त्वचा रोग है, जो कैप्रीपॉक्स नामक वायरस से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। यह वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि राजस्थान, यूपी, बिहार और एमपी में हजारों की संख्या में पशुओं की मौत हो गई है। लंपी वायरस खून चूसने वाले कीड़ों, मच्छर की कुछ प्रजातियों और पशुओं के कीड़ों के काटने से फैलता है। लंपी वायरस के प्रमुख लक्षण होने पर पशु की खाल पर गांठें पड़ जाती हैं, पशु को बुखार आना, वजन में कमी, आंखों से पानी टपकना, लार बहना, भूख नहीं लगना और दूध में कमी होती है। लंपी रोग से बचाव के लिए संक्रमित पशुओं को अलग रखें और उनके रहने वाले स्थान की साफ सफाई करें, तथा मच्छरों को भगाने के लिए स्प्रे करें और संक्रमित पशुओं को वैक्सीन लगवाएं। कमजोर इम्यूनिटी वाली मवेशियों को खासतौर पर यह वायरस प्रभावित करता है। लंपी वायरस से संक्रमित मवेशियों का दूध निकालते समय अपने बचाव के लिए ये उपाय करें। मास्क पहनकर दूध निकालें, संक्रमित जानवरों को छूने के बाद अच्छे से हाथ धोएं तथा हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।